का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, अब खबरें आ रही हैं कि ये जो शो है फिल्म बन सकता है और इसकी कंफर्मेशन जो है खुद इसके प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने दी है। जी हाँ, आखिर क्या है पूरा मामला और कब ये फिल्म आने वाली है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। असल में एक हाल ही में जब इंटरव्यू हुआ असित कुमार मोदी का, तब उनसे पूछा गया कि क्या तारक मेहता की जो सीरीज है जिसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं 15 साल से, हम आपको बता दें कि ये शो जो है कि लोगों को एंटरटेन करते हुए आ रहा है और इसका हर एक किरदार जो है, आप बात कर ले जेठालाल की, तारक मेहता की, बबीता जी की, सोनू की, टप्पू की, भीड़े की, कई सारे किरदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हर घर में जो है कि इनका नाम जो है कि एज अ रेगुलर बेसिस पे लिया जाता है और कहीं ना कहीं इनके किरदारों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम किरदारों की तरह पे इसको तोला जाता है, बिकॉज कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर हर कहीं पर मौजूद है, आपके फ्रेंड सर्कल्स में हो जाए या फिर आपकी फैमिली में हो जाए, तो जिसके चलते जो है कि ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसको जो है कि काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता ही जा रहा है। और इसी के चलते जो है पिछले साल इसकी एक गेमिंग सीरीज़ भी रिलीज़ हुई थी जिसको फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, एक कार्टूनिक फॉर्म में वो आया था जिसको फैंस काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे थे। और पिछले महीने जो है कि एक ड्राइमिंग सीरीज़ बच्चों के लिए रिलीज़ की गई, उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। तो अब जो है कि असित कुमार मोदी से जब ये सवाल किया गया कि क्या वो इस शो को एक फिल्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा जी हाँ ज़रूर, क्योंकि जितना भी ये शो है उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस शो पे उन्होंने की है, बिकॉज 15 साल से लगातार ये शो चला आ रहा है और लोग जो है आगे भी इस शो को देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी ऑडियंस जो है कि बोर हो चुकी है, अब वो नहीं देखना चाहते इन कैरेक्टर्स को, ऐसा नहीं है, बल्कि रोज़ रोज़ अलग अलग नए नए किरदारों में हर एक नई सीरीज़, हर एक नई स्टोरी, हर एक नए चैप्टर के साथ जो है लोग इसको देखना पसंद करते हैं, चाहे उनका कोई भी कैरेक्टर हो उसमें एक नया वेरिएशन आता है, तो लोगों को है जो काफ़ी इस चीज़ों में मज़ा आता है और इस बातों को जो है कि लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब अगर फिल्म की बात की जाएगी तो इस फिल्म को वो काफ़ी ज़्यादा एक इनोवेटिव तरीके से बनाना चाहेंगे, बिकॉज इनके हर एक कैरेक्टर का एक एलिमेंट है जिनको उनको जस्टिफाई करना होगा, तो इसकी तैयारी जो है उनका कहना ये है कि उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है और बहुत जल्द वो इसकी अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो तारक मेहता के फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब तक जिस सीरियल को वो 15 सालों से टीवी पर देखते आ रहे थे, उनके कैरेक्टर्स को इतना पसंद करते आ रहे थे, जेठालाल हो जाए, तारक मेहता हो जाए, भीड़े हो जाए, अय्यर हो जाए, सोडी हो जाए, या फिर इनके छोटे छोटे जो सीरियल में बच्चे थे जो अब बड़े हो चुके हैं, इनका एक अपना ग्रुप है, इनकी एक अलग अपनी मस्ती है, इनकी एक अपनी अलग पहचान है, तो ऐसे में जब ये फिल्म में आएंगे तो इसका जो है कि स्टोरी लाइन किस तरीके से डिसाइड होगा, आखिर किस तरीके से ये पूरी सीरीज़ जो है बनाई जाएगी। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही इसके पहले एक सीरियल आता था खिचड़ी, जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था, तो इस पर भी एक फिल्म आधारित बनी थी जिसके 2 पार्ट्स आए थे और कभी कहीं ना कहीं खबरों के मुताबिक इसकी तीसरा भी सीज़न आने वाला है। तो ऐसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है, जिसको फैंस इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके गेमिंग से लेके उनके राइम्स तक लोगों ने इतना पसंद किया है, तो अब उसकी फिल्म आने वाली है। वैसे आपको बता दूं, असित कुमार मोदी का ये भी कहना है कि वो इस जो है कि सीरियल को एक गेमिंग यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से हॉलीवुड के यूनिवर्स होते हैं वैसे ही वो अब जो है कि तारक मेहता शो को एक यूनिवर्स टाइप बनाना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें तारक मेहता के शो में, एलिमेंट्स में काफ़ी ऐड होने वाली है और काफ़ी नए तरीके से नए नए प्लेटफॉर्म्स पर जो है कि आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए मिलेगा। वैसे आपको बता दें, असित कुमार मोदी का ये भी कहना है कि अब जो है कि दुनिया जो है OTT के प्लेटफॉर्म पर आ गई है, लोग काफ़ी बिजी है, तो चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो कहीं पर मीटिंग में अटेंड होना हो, वहाँ पर जो है हर तरीके से, हर मोड ऑफ जोन में जो है लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब पर हो गया, सोशल मीडिया पर हो गया, फिर अगर OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो उस पर हो गया, तो ये एक शो जो है वो सिर्फ अब TV पर नहीं बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर हर तरीके से लोगों को पसंद आने लगा है। आप देखेंगे कि काफ़ी क्लिप्स जो हैं इनकी पुरानी वायरल्स होती हैं, लोग उन दिनों को भी याद करते हैं जब ये शो शुरुआत हुई थी। तो अब जब ये 15 साल इसने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब एक और नया पड़ाव आ गया है जो फिल्म की तौर पर लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो कितने ज़्यादा आप एक्साइटेड है इस पूरे सीरियल को, 15 साल की जर्नी को फिल्म में देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, तो अब वो स्टोरीज़ को इस फिल्म में कैसे बिठाया जाएगा और क्या इसमें नए किरदार ऐड होंगे और क्या इसमें नए चेहरे देखने के लिए मिलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और जब से फैंस ने इस बात को सुना है तो वो तो भाई जेठालाल को, तारक मेहता को, इनकी जोड़ी को, जेठालाल बबीता को, जेठालाल दया को, पोपटलाल की शादी
आदि को जो काफी सारे एलिमेंट्स अधूरे रह गए हैं उनको जो है फिल्म में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो काफी सारे नए चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी तारक मेहता की उल्टा चश्मा फिल्म में। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये जो सीरियल का नाम है वही इनकी फिल्म का नाम होगा और किस तरीके से पूरा पिक्चराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए फैंस और असित कुमार मोदी जो है वो दोनों ही एक्साइटेड है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से ये चीज जो है प्लेटफॉर्म पर आएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके लिए कितनी एक्साइटमेंट है इस शो को फिल्म और यूनिवर्स के तौर पर देखने के लिए, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।